हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पौधों में जो पोषक तत्व होते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन प्लांट्स की। तो जैसे कि आपको पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो जिसका मतलब है कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। फोटोज का मतलब होता है लाइट, तो मतलब कि ये लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। तो जैसे कि दे मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की प्रेजेंस में। और जब ये प्रोसेस होती है तो इस प्रोसेस के दौरान, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान, रॉ मटेरियल्स का भी यूज़ होता है। तो इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल्स आएंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ मिनरल्स। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, रॉ मटेरियल का यूज्ड होता है। बाय दिस प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो क्या करते हैं ग्रीन प्लांट्स, कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं सोलर एनर्जी को। सोलर एनर्जी मतलब जो रोशनी हमें सूरज से मिलती है उसको केमिकल एनर्जी में, केमिकल ऊर्जा में उसको बदलते हैं। कन्वर्ट मतलब बदलना। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। दैट्स वाई दे आर आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स। तो नेक्स्ट है, फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है। किस लिए, फॉर ऑल द लिविंग बींग्स ऑफ द बायोस्फेयर। जितने भी बायोस्फेयर में, यूनिवर्स में जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जिंदा आदमी हैं या बींग्स हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए ओवरऑल रिएक्शन है 6CO2। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O। H2O को हम बोलते हैं वाटर। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये कहाँ होती है, क्लोरोफिल में। तो जिससे कि क्या प्रोडक्ट बनता है, C6H12O6, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। H2O को क्या बोलते हैं हम, वाटर, प्लस 6 O2। O2 मतलब ऑक्सीजन, और हीट एनर्जी से प्रोड्यूस होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्लोरोफिल ट्रैप्स सोलर एनर्जी। क्लोरोफिल किस तरह से सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, ट्रैप मतलब लेता है या पकड़ता है। तो इसमें जैसे कि इन प्लांट्स क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स लाइक कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलियंस आर प्रेजेंट। प्लांट्स में क्या होता है, क्लोरोफिल तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ अदर पिगमेंट्स भी होते हैं। अदर मतलब अन्य पिगमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलियंस आर प्रेजेंट। कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलियंस प्रेजेंट होंगे। दे एक्ट एज फोटो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। ये एक्ट करेंगे किस की तरह, फोटो रिसेप्टर, फोटो मतलब लाइट, लाइट को एक्सेप्ट करेंगे, लेंगे कहाँ से, सनलाइट से। आल्सो नोन एज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम क्लोरोफिल की, जो हमने यहाँ बात की थी क्लोरोफिल, इसकी बात करेंगे हम। दीज आर ग्रीन पिगमेंट्स। ये किस तरह के होते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स। बेसिकली हम क्लोरो का मतलब होता है, क्लोर का मतलब होता है ग्रीन, और फिल का मतलब होता है पिगमेंट्स। तो ये, तो यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं क्लोर का मतलब ग्रीन और फिल का मतलब पिगमेंट्स। दीज आर ग्रीन पिगमेंट्स। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अलग अलग प्लांट्स में क्या होता है कि क्लोरोफिल होता है, हर प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, और इसके भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल को आप शॉर्ट में CHL लिखते हैं, CHL। तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो वायरिडियन। तो इसमें क्या है कि क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, इसको हम यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बोलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि दैट इज़ प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। ये हर फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। और बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो वायरिडियन, दैट इज़ प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट मतलब पाए जाते हैं। तो
क्लोरोफिल के बाद मैंने अदर पिगमेंट्स बताए थे, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स। तो इसमें हम बात करेंगे कैरोटीनॉइड्स की। तो यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो भी दो तरह के होते हैं, और कैरोटीनॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं, ये भी प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो ये टू टाइप्स इसके कौन कौन से हैं, कैरोटीन्स एंड ग्जैंथोफिल्स। तो कैरोटीन्स जो हैं वो ऑरेंज रेड इन कलर के होंगे, कौन से कलर के आएंगे, ऑरेंज रेड के। एंड ग्जैंथोफिल्स, जो ग्जैंथोफिल्स हैं वो येलो कलर के आएंगे। और कैरोटीन्स एंड ग्जैंथोफिल्स को हम एसेसरी पिगमेंट्स बोलेंगे। एसेसरी पिगमेंट्स मतलब ये क्या करते हैं, ये लाइट को एब्जॉर्व करते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके ये क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स भी प्लांट्स में ही आता है। तो दीज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट ओनली इन ब्लू ग्रीन अल्गी एंड रेड अल्गी। जो फाइकोबिलिन है ये एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और ये कहाँ पाया जाता है, ब्लू ग्रीन अल्गी और रेड अल्गी में। ब्लू ग्रीन अल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। अल्गी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अल्गी को हम हिंदी में बोलते हैं शैवाल, जो नदियों में पाए जाते हैं। इसके भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे रेड, ग्रीन, ब्राउन, पर लेकिन अभी आपको इतना ही बताया गया है कि फाइकोबिलिन्स जो हैं वो ब्लू ग्रीन अल्गी और रेड अल्गी में पाए जाते हैं। दे आल्सो एक्ट एज एसेसरी पिगमेंट्स, ये भी एसेसरी पिगमेंट्स की तरह काम करते हैं। एसेसरी पिगमेंट्स जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल ए में। तो नेक्स्ट है सनलाइट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। सनलाइट, सूरज की रोशनी में क्या होता है, डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं। डिफरेंट मतलब अलग अलग वेवलेंथ्स होती हैं। व्हेन दिस, तो वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, वेव का मतलब होता है रेडियो तरंग, रेडियो तरंग, और लेंथ का मतलब होता है लंबाई। तो वेवलेंथ का मतलब हुआ रेडियो तरंग, लंबाई। When this light passed through a prism, then it scatters into seven colors. जब sunlight जो होती है, यहाँ पे light की बात की गई है, sunlight की, जब ये किसी prism से निकलती हैं, गुजरती हैं, तो ये क्या होती हैं, scattered होती हैं। scattered मतलब बिखरती हैं। कैसे बिखरती हैं, ये सेवन कलर्स में बिखरती हैं। जैसे ये कोई प्रिज्म है, यहाँ से जब सनलाइट आएगी तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में स्कैटर्ड हो जाएगी। तो ये कितने कलर्स में स्कैटर्ड होती है, सेवन, फाइव, सिक्स एंड सेवन। तो इसमें जो जो कलर्स हैं वो आते हैं विबग्योर, जैसे कि सबसे पहले इसमें आएगा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इस तरह से आएंगे विबग्योर, इस तरह से आ गई है स्कैटरिंग। तो सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी विच इज़ ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल। तो सनलाइट से जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जब प्रोवाइड होती है, तो विच इज़ ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल, तो उसको कौन लेता है, पहले क्लोरोफिल लेता है। जैसे कि आपको पिछले इसमें भी बताया था फोटोटोट्रॉफिक्स में कि सबसे पहले एनर्जी कहाँ आएगी, क्लोरोफिल में। तो विबग्योर कॉन्स्टिट्यूट विजिबल रेंज ऑफ लाइट, जो विबग्योर है इसमें किस तरह की लाइट आएगी, कौन से रेंज की लाइट आएगी, विजिबल रेंज की, कौन सी आएगी, इसमें विजिबल रेंज की लाइट आएगी। तो प्लांट यूटिलाइज विजिबल रेंज का मतलब कि जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट यूटिलाइज दिस लाइट बिकॉज इट इज स्मॉल पार्ट ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। यूटिलाइज का मतलब होता है यूज़ करना, उपयोग करना। तो प्लांट इस लाइट का उपयोग क्यों करते हैं, बिकॉज, क्योंकि इट इज़ स्मॉल पार्ट ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। जो सूरज से रोशनी आ रही है, सोलर रेडिएशन जो है, इसका ये एक स्मॉल पार्ट है। इसलिए क्लोरोफिल पिगमेंट्स एब्जॉर्ब्स मेनली ब्लू और रेड लाइट वेवलेंथ। जो क्लोरोफिल के जो पिगमेंट्स हैं, क्लोरो मतलब ग्रीन, ग्रीन पिगमेंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं मेनली, सिर्फ वो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लू और रेड, नीली और लाल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसके नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय अ पिगमेंट। एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्व करना, अब एब्जॉर्व मतलब शोषित करना। तो उस
किसको ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट के जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, जैसे कि आपको बताया है विवग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू वगैरह, ये सारी जो हैं ये एक डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं ऑफ लाइट की, बाय अ पिगमेंट, किसी पिगमेंट के द्वारा उसको एब्जॉर्ब करना, अब्सॉर्प्शन करना, तो उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जिसको क्या बोलेंगे हम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताएं, और अगर आप कोई और टॉपिक भी पढ़ना चाहते हैं तो भी कमेंट करके बता दें। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।